आज की वीडियो में मैं आपको मूसली की पूरी जानकारी दूंगा और इसकी पहचान कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मूसली ऐसी ताकतवर जड़ी बूटी है जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है और शरीर की कमजोरी दूर करके शरीर को बलिष्ठ बनाता है, बलवान बनाता है, ताकत से भर देता है। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। दोस्तों, शरीर को पुष्ट और ताकतवर बनाने के लिए कई प्रकार की औषधियाँ होती है, उसमें अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, कौंच बीज आदि मुख्य है। उन सभी शरीर को ताकतवर, पुष्ट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रमुख औषधि है मूसली। जी हाँ दोस्तों, मूसली दो प्रकार की होती है, सफ़ेद मूसली और काली मूसली। सफ़ेद मूसली पर सफ़ेद रंग के पुष्प लगते हैं और काले मूसली पर पीले रंग के पुष्प लगते हैं। तो दोस्तों पहचान लीजिए, इस प्रकार का होता है मूसली का पौधा। जंगलों में ये खूब उत्पन्न होती है, इसकी सब्जी बनाकर लोग खाते हैं। ये सिर्फ वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही उत्पन्न होती है, बाद में 1 से 2 महीने के बाद अपने आप लुप्त हो जाती है, सिर्फ कंद ही बचता है। दोस्तों मूसली के मूल सीधे, मोटे और बेलनाकार होते हैं। बाहर से ये काले दिखाई देते हैं तथा अंदर को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का और मांसल होता है। इसके अलावा ये मूल कई तंतुओं वाले होते हैं। दोस्तों दोनों प्रकार की मूसली के गुणधर्म थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं काली मूसली के गुणधर्म के बारे में। इनमें से काली मूसली स्वाद में मधुर, थोड़ी तीखी और गर्म होती है। ये पचने में भारी, पिच्छल, वात और पित्त को मिटाने वाली तथा कफकारक होती है। काली मूसली धातु यानी वीर्य को बढ़ाती है, शरीर को पुष्ट करती है और दीपन होती है। आयुर्वेद में दोनों प्रकार के मूसली को रसायन माना है। ये धातु बढ़ाने वाली, दाह, श्रम और रक्तदोष तथा अर्श को मिटाती है। दोस्तों मूसली का कंद वाजिकारक होता है, ये शक्ति बढ़ाने वाला, मूत्रल, बलकारक, रसायन और संग्रहणी को दूर करता है। ये अर्श और बवासीर में परम हितकारी तथा रक्त दोषों को दूर करने वाला और शुक्र को बढ़ाता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शरीर की दुर्बलता को नष्ट करता है, कामला और पीलिया को दूर करता है और श्वास रोग में भी लाभकारी होता है। ये दस्त मिटाता है, नेत्र रोग का शमन करता है और जोड़ों में होने वाला दर्द और कमर दर्द को दूर करता है। दोस्तों सफ़ेद मूसली के कंद की हम बात करें तो ये स्वाद में मीठा, स्तंभक, कामोत्तेजना को बढ़ाने वाला और कफ मिटाता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, इसका सेवन करने से बल की वृद्धि होती है और मूत्र खुलकर आता है। दोनों प्रकार की मूसली मूत्रवर्धक होती है, ये मूत्र को बढ़ाती है। इसके कंद और पंचा को पानी में उबालकर कुछ दिनों तक सेवन करने से मूत्र की जलन मिटती है और मूत्र खुलकर आता है। दोस्तों इस प्रयोग से पथरे में बहुत फायदा होता है तथा किडनी की गंदगी दूर होती है और किडनी को बल मिलता है। दोस्तों पेट के दर्द में काले मूसली का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में और 500 मिलीग्राम दालचीनी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों मूसली के मूल के चूर्ण को दूध के साथ कुछ दिनों तक रोजाना सेवन करने से वीर्य के दोष दूर होते हैं और काम शक्ति बढ़ती है। इसके कंद के 2 से 4 ग्राम चूर्ण में मिश्री मिलाकर रोजाना खाने से शीघ्र पतन और वीर्य विकार के दोष दूर होते हैं। इसके अलावा मूसली के 2 से 4 ग्राम चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर रोजाना खाने से वीर्य पुष्ट बनता है और बढ़ता है। दोस्तों शास्त्रों में मूसली को परम वाजिकरण औषधि माना है। मूसली के चूर्ण के साथ समान मात्रा में गिलोय का शत, कौंच बीज, गोखुरु, सेमल और आंवला, इन सबको मिलाकर शर्करा और घी तथा दूध के साथ मिलाकर रोजाना खाने से काम शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता मिटती है। दोस्तों पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी मूसली बहुत फायदेमंद होती है। सफ़ेद मूसली के 1 से 2 ग्राम कंद चूर्ण का सेवन रोजाना करने से महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या मिटती है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली के चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर उतने ही मिश्री के साथ दूध के साथ रोजाना सेवन करने से स्तनपान कराने वाले महिलाओं का दूध बढ़ता है।